पंजाब दे विच हुण नहीं विकेगी नकली शराब। पंजाब दे विच हुण नहीं विकेगी जहरीली शराब। नजायज़ शराब दा, कच्ची शराब दा, गंदी शराब दा धंधा बिल्कुल ही पंजाब तों खतम होवे। जहरीली शराब नाल नहीं होवेगी हुण किसे दी मौत। क्योंकि आ गए ने एक्साइज दे स्पेशल 3 जो हुक्म सुनते ही हो जाते ने एक्टिव। असी सिर्फ कमांड देनी होंदी है फाइंड या सर्च, उन्हें जिस टाइम लभ के उन्हें शुरू कर देनी। एक डेमो भी दिखाने की कोशिश करते हैं केड़ी ब्रीड दे डॉग जी। ये बेल्जियन मेलिनॉइस है जो जमीन के अंदरों भी कट लियांदे ने शराब, जो कर सकते ने शराब माफिया की नींद खराब। ये सबसे ज़्यादा तो यही कार करे जी बेल्जियन मेलिनॉइस, ये आर्मी के अंदर भी होते जी सबसे ज़्यादा। और डॉग है जैसे लेबरा हो गए, जर्मन हो गए, वो नार्को में ज़्यादा काम करते। पंजाब नू करनगे जहरीली शराब तो फ्री, आगे ने एक्साइज विभाग दे स्पेशल 3। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब दे इस स्पेशल शो दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तो पंजाब दी मान सरकार सूबे दे विच शराब दी तस्करी तो चिंतित है। सूबे दे विच शराब तस्करी नू रोकण दे लई सरकार ने कई कदम चुके ने, इस दे बावजूद शराब दी तस्करी हो रही है। तो जहरीली शराब दे नाल लोकां दीआं मौतां हो रहीआं ने, जिस ने सरकार दी चिंता होर वधा दित्ती है। तो अजिहे दे विच पंजाब एक्साइज विभाग ने शराब तस्करी ते लगाम लाउण दे लई स्पेशल 3 नू ड्यूटी ते लगाया। ए ओ स्पेशल 3 ने जो शराब माफिया दी नींद खराब कर सकते ने। लोहे दियां मजबूत जालीदार सलाखां दे अंदर तेजी दे नाल चक्कर लाउंदे इन्हां बेचैन डॉग्स नूं देखो। किसी गली चौराहे दे विचों फड़े गए ये कोई अवारा कुत्ते नहीं, बल्कि बेहद खास डॉग्स ने, खास तौर पर ट्रेंड किए हुए डॉग्स जो अपने मालिक के ऑर्डर का इंतजार कर रहे ने। मालिक तो फाइंड या सर्च की कमांड मिलते ही ये डॉग अपने टारगेट के वल चल पैंदे ने अते अपने मिशन के जुट जाते हैं। देखो किस तरह ये डॉग्स जमीन के अंदर गड्डी देसी शराब यानी लान नूं लभण दे लई जमीन नूं अपने पैरां ते नोहां दे नाल खुरच रहा है। इसका मिशन उदों तक जारी रहिंदा है जदों तक उह जमीन के अंदर दबी हुई लान नूं लभ नहीं लैंदा। ये कंप्यूटर की तरह बिना रुके, बिना थके अते एक्यूरेट कम करता है अते इनपुट मिलते ही आउटपुट दिंदा है। जमीन के अंदर शराब मिलते ही वह मालिक नूं दस दिंदा है कि लो शराब मिल गई है। शराब तो पुलिस भी लभदी है पर उस जमीन के अंदर दबी हुई शराब नूं नहीं लभ पाउंदी। पर ये डॉग्स अजिहा कर पाउंदे ने क्योंकि कुदरत ने उन्होंने सुंघण की अद्भुत शक्ति दिती है। इन डॉग्स की खास गल यह भी है कि डॉग रिश्वतखोर नहीं होंदे। ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਲਾਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਉਹਦੇ ਵੇਪਰਸ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਡੌਗ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਡੈਮੋਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਲਾਹਨ ਫੜੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੇਟ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਡੌਗ ਦਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡੌਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਲੇਨੋਇਸ ਨਸਲ ਦੇ 3 ਡੌਗਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ 3 ਦੇ ਖਾਸ ਡੌਗ ਨੇ। ਬੈਲਜੀਅਨ ਬ੍ਰੀਡ ਦਾ ਡੌਗ 22 ਤੋਂ 26 ਇੰਚ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸਮਾਰਟ, ਫੁਰਤੀਲਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੌਗ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
बेल्जियन नस्ल के डॉग नू देसी शराब फड़न दे लई 6 महीने की स्पैशल ट्रेनिंग दिती गई है। ट्रेनिंग के दौरान एक्साइज विभाग ने ट्रेनर्स नू देसी शराब के सैंपल मुहैया करवाए। ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने करीब 3 लाख लीटर नकली ते कच्ची शराब फड़ी सी। ट्रेनिंग के बाद इन डॉग्स नू इन सैंपलों की पहचान दे विच महारत हासिल हो गई है। हुणे हर दिन 8 घंटे काम कर सकता है। मिट्टी में, क्योंकि गांव में अक्सर देखता है कि जमीन में जो है शराब को दबाया जाता है, जब पुलिस पहुंचती है तो उस समय शराब मिलती नहीं है। सर, किस तरह से डॉग को ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह से ये शराब को रोक सकते हैं, जो नकली शराब है उसको पकड़ा जा सकता है? सर, हमारे डॉग्स को हम ट्रेन करते हैं लहान के ऊपर और शराब के ऊपर। जो ये डॉग होते हैं इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसके साथ 2 हैंडलर होते हैं। ये हमारे अलग अलग जो डॉग हैं अलग अलग ट्रेनिंग होती है सबकी। कोई शराब पे होता है, कोई एक्सप्लोसिव पे होता है, कोई, हर डॉग की अलग अलग ट्रेनिंग होती है 6 महीने। कैसे ये शराब को जमीन में ढूंढ लेते हैं या किस तरह से उनको देखते हैं? सर, स्निफ करके इनको ट्रेंड इस तरीके से किया जाता है कि ये स्निफ करके लहान को, शराब को। पंजाब देश का अजिहा पहला सूबा है जिथे शराब की समगलिंग रोकने के लिए डॉग्स नू इस तरह की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनर के मुताबिक उन्होंने कोल दूजे सूबे तो भी इस तरह की रिक्वेस्ट आई सी, पर उन्होंने सब तो पहला पंजाब सरकार के लिए इस तरह का डॉग स्क्वाड बनाया है। साढ़े जेडे डॉग्स ट्रेन होके राइट फ्रॉम जी मणिपुर, सिक्किम, जे एंड के, थले केरला चले जाओ, केरला पुलिस ने दिते हैं जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो है अपना दलाई लामा की सिक्योरिटी साढ़े तो डॉग्स जाते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं जी, फिरोजपुर जो हुए सी SPG वाले डॉग साढ़े तो लैके जाते हैं उन्होंने जी ड्यूटी के वास्ते। उस इलेक्शन कमीशन बड़े डॉग्स दते हैं, ड्यूरिंग इलेक्शन साढ़े डॉग्स यूज होंगे हैं। पंजाब पुलिस ने लेते हैं, हरियाणा CM सिक्योरिटी, पंजाब। तो असि मोर दैन 300 डॉग्स ट्रेन करके पिछले 5 साल डिप्लॉय कर चुके हैं। सिक्योरिटी वास्ते सारे? हाँ जी, वो एक्सप्लोसिव वास्ते, नारकोटिक्स वास्ते। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर्स नूं कई तरह दीआं चुनौतियां दा सामना करना पिया, क्योंकि हर इलाके अते हर दिन कच्ची शराब की स्मैल बदलती रहिंदी है। अजिहे विच एक्साइज विभाग ने उन्हां दी मदद कीती। उन्होंने उस लहान दे सैंपल लिया के दिते अते उस आधार ते डॉग्स नूं ट्रेनिंग दिती गई है। हम तो सर 24 घंटे इनके साथ ही रहते हैं। ये इनको 3 घंटे सुबह प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। कहाँ कहाँ इस्तेमाल अभी तक आपके ये डॉग का, क्या नाम क्या है इनका? कर्नल नाम सर इसका, कर्नल। हाँ जी। और ये बेल्जियम कैटेगरी के? हाँ जी, बेल्जियन मैनलोस। क्योंकि मैंने देखा जर्मन शेफर्ड भी होते हैं, लेपरा भी होते हैं, कौन से कारगर होते हैं और किस तरह से रहते हैं? ये सबसे ज्यादा तो यही कारगर है जी, बेल्जियन मैनलोस। ये आर्मी के अंदर भी होते हैं। सख्त ट्रेनिंग के बाद डॉग स्क्वाड हुण शराब माफिया और शराब समगलरां दे छक्के छुड़ाउण दे लई तैयार है। आने वाले दिनों दे विच पंजाब दे अलग अलग शहरां ते पिंडां विच ये स्पैशल थ्री जाणगे अते जिथे भी शराब लुकोई गई है उसनू लभ लिआउणगे। तां हुण जिहड़े शराब तस्करी करदे ने जां जाली नकली शराब बनांदे ने जां जिहड़े इस तरीके नाल जमीन च दब लैंदे ने, उहनां दे लई एक्साइज डिपार्टमेंट जिहड़ा खास तौर ते डॉग्स जिहड़े ने उह लिआंदे ने ताकि किते भी शराब लुकी होवे तां मिल सके। कैमरामैन जिंदर दे नाल पंकज पाई, न्यूज़ 18 डेरा बसी। स्पैशल थ्री की तैयारी नूं वेखण दे लई पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल चीमा अते एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम डेरा बसी स्थित पंजाब डॉग स्क्वाड के ट्रेनिंग सेंटर पहुंची। उन्होंने डॉग स्क्वाड नूं नेड़े तो वेख्या अते शराब की तस्करी नूं पूरी तरह दे नाल खत्म करन दी गल कही है। स्पैशल थ्री की तैयारी नूं देखण दे लई पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ते एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम डेरा बसी स्थित पंजाब डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग सेंटर पहुंची। उन्होंने डॉग स्क्वाड नूं नेड़े तो देखिया ते शराब तस्करी नूं पूरी तरह दे नाल खत्म करन दी गल कही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ते एक्साइज विभाग की टीम ने ट्रेनिंग सेंटर दे विच डॉग्स नूं नेड़े तो देखिया।
ट्रेनर न्यूटन सिद्धू ने उन्होंने अलग अलग ब्रीड के डॉग्स दी खूबियां समझाइया, जिस विच स्पेशल 3 नू एक्साइज विभाग दे विच शामिल करन ते सहमति बन गई। न्यूज 18 दे नाल एक्सक्लूसिव गलबात दे विच मंत्री जी ने कहा कि लोग नाजायज तरीके दे नाल शराब बनाउंदे ने अते उस नू खेतां या जमीन दे थल्ले दब दिंदे ने, उस नू लभण दे विच समां लगदा है ते कई बार समगलर भज जांदे ने। अजिहे विच सरकार ने डॉग स्क्वाड बनाउण दा फैसला कीता है तां कि शराब तस्करां नू जल्दी तो जल्दी ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੋਗ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਡੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ 3 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ 3 ਡੋਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਡੋਗ ਵੀ ਹੈ। वित्त मंत्री ने कहा कि नकली शराब पीने नाल लोगों की जान चली जाती है, अजिहे विच सरकार ये जरूरी कदम चुक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार शराब की तस्करी और नकली शराब नूं पूरी तरह नाल खत्म कर देना चाहती है। जहरीली नकली जिहड़ी जिहनूं आपां घर दी कड्ढी शराब कहिंदे ने उहदे नाल पीण नाल होंदियां सीगियां। सो उस तों बाद जदों साडी सरकार आउण तों बाद नवीं पॉलिसी भी एक्साइज दी आई, तो नवीं पॉलिसी आउण तों बाद साडे कोल आइडिया आया और बहुत सारे लोगों ने आइडिया दित्ता कि जिहड़े स्निफर डॉग ने जां जिहड़े डॉग स्क्वाड आ गा इह जो धरती हेठ कुछ लोग धरती हेठ कच्ची शराब दब दिंदे नेगे जां लाहण दब दिंदे ने, उस तों बाद उहनूं कढ के पीते ने, उहनां दी सेहत लई भी हानिकारक और दूजा पंजाब दा रेवेन्यू भी जिहड़ा हैगा किते ना किते बहुत वड्डी पद्धर ते लॉस हुंदा गा। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। सरकार ने नाजायज़ ते नकली शराब तस्करी दे लई जिस तरह डॉग स्क्वाड बनाए ने उम्मीद की जानी चाहती है कि पंजाब सरकार दे इस कदम दे नाल नाजायज़ ते नकली शराब दी तस्करी नूं रोकण च कामयाबी मिलेगी, नाल ही जहरीली शराब तो होण वाली मौत ते लगाम लगेगी। एक्साइज दे स्पैशल 3 दे विच बस इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।